जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज इस स्टॉक के बारे में इस चैनल पर बात होने जा रही है। वजह यह है कि पहले जो हम ये मानकर चल रहे थे कि स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएगा या डिलिस्ट हो जाएगा, ऐसा अभी कुछ इसमें होने नहीं जा रहा है। NCLT की दुआ से पूरी तरीके से स्टॉक अब बाहर आ गया है और इसमें नियमित रूप से ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है। इसके बारे में समझेंगे, जब नियमित रूप से इस स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू हो गई है, और चूंकि मैं अपने हर एक टेक्सटाइल वाले वीडियो में बताता हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर से जो बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं उनमें आने वाला उनका भविष्य काफ़ी बेहतर होने वाला है, तो देखेंगे कि उसमें ये स्टॉक फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से करेंगे और एक एक पॉइंट को इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है और कोई नया व्यक्ति भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उन्हें सटीक रणनीति वो बना सके कि इस स्टॉक में करना क्या है। तो देखिए, काम के बारे में जैसे मैंने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक छोटी सी कंपनी टेक्सटाइल के सेक्टर में डील करती है। बेसिकली टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे फैब्रिक हो गया वो बनाती है, और एक छोटा सा इस कंपनी अलग से काम करती है। इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करती है, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा बहुत काम करते हुए आपको दिख जाएगी, लेकिन कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आपको यही टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट से आता है। काम तो आप लोगों ने समझ गए। यदि हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो आपको पता है पिछले कुछ समय से देखें तो फंडामेंटल कंपनी का कमजोर ही हुआ है, क्योंकि पहले कंपनी का विवाद हुआ, विवाद के बाद से लोग और इसमें से बाहर निकले, तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल में कमी आना लाजमी है। अभी देखेंगे तो मार्केट कैप कंपनी का तकरीबन 78 करोड़ के आसपास है, और मार्केट के हिसाब से आपको शेयर प्राइस थोड़ा सा सस्ता लग सकता है, सिर्फ 61 पैसा का स्टॉक है, 61 पैसे का। लेकिन शेयर प्राइस सस्ता या महंगा होना मार्केट के हिसाब से नहीं, स्टॉक के पी, हालांकि मार्केट का भी मायने रखता है, लेकिन बेसिकली उसके लिए स्टॉक का पी देखा जाता है, तो पी बहुत कम है। यहाँ पर देखें तो ये तो काफ़ी बढ़िया बात है कि पी कम है इस स्टॉक का, सामान्यतः पेनी स्टॉक का पी इतना कम होता नहीं है, लेकिन स्टॉक के पी के हिसाब से शेयर प्राइस देखेंगे तो ओवरऑल ठीक ठाक कहेंगे, शेयर प्राइस ठीक है, बुक वैल्यू से कम है शेयर प्राइस, ये चिंता की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो कंपनी का ROE है और जो ROCE है यह भी दोनों माइनस में है, ये माइनस में नहीं होना चाहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर अभी साल भर में कंपनी कुछ कमा के देते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी ही माइनस में, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको आपकी इक्विटी पे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, हालांकि माइनस में मिलने जैसी कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे समझते टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कि जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है, जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें क्या कर रणनीति अपनाने की जरूरत है। देखिए, आपको पता है कि पिछले साल जब कंपनी लिस्ट हुई, पिछले साल ये 2022 में लिस्ट हुई थी, 22 में लिस्ट होने के बाद कंपनी ने एक साथ बोनस और स्प्लिट दिया था, जिसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस खूब तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा था और ये नए नए लोगों को अट्रैक्ट किया था, और नए नए लोग जब इसमें अट्रैक्ट हुए थे तो उसके बाद जो पुराने इन्वेस्टर्स थे, जो कुछ बड़े लोग थे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया और उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगा। देखिए, स्प्लिट होने के बाद प्राइस कम हो गया था, अभी समझते हैं कि अभी इस स्टॉक में करना क्या है। तो देखिए, आपको पता है कि ये स्टॉक अभी भी देखेंगे तो आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं कंसोलिडेट करना, जब कोई भी स्टॉक का प्राइस दो प्राइस के बीच में फंसा हुआ उसी में घूम रहा हो तो उसको कंसोलिडेशन रेंज कहते हैं, और जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो 95% चांस होता है कि ब्रेकआउट होगा उसमें, यानी कि जब इस स्टॉक ये जो अभी घूम रहा है इसमें से बाहर निकलेगा तो ऊपर की तरफ निकलेगा, यानी कि ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट कम से कम अपने इस लेवल के लिए जो इसके पहले जहाँ तक हाई लगाया था यहाँ तक ही आएगा। तो हम मान के चलते हैं कि स्टॉक का प्राइस यहाँ तक कम से कम इजीली आपको 2.5-3 रुपये तक आते हुए दिख सकता है, और अब ज़्यादा दिन तक ये कंसोलिडेट नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी समय से कंसोलिडेट आपको करते हुए दिख रहा है। कोई भी स्टॉक काफ़ी समय तक कंसोलिडेट नहीं करता, उसे बाहर जरूर निकलता है। तो यानी कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट पहले से है और अभी तक आप बने हुए हैं तो बने रहिए, क्योंकि आपके पास सब मतलब बर्बाद होने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए इसमें बने रहिए। नया व्यक्ति क्या करेगा, जब इसका प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर समय बिताएगा, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं 1 रुपये के आसपास रिस्क के हिसाब से, और कम से कम 2.5-3 रुपये तक लिए आप ले जा सकते हैं, यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है। तो आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया आपको। हालांकि अभी भी यदि आप BSE की वेबसाइट पर देखेंगे तो देखेंगे आप ये स्टॉक आपको अभी भी ESM/HTS की कैटेगरी में दिखेगा, यानी कि सेबी की निगरानी अभी भी इस स्टॉक पर है, तो थोड़े बहुत संभल कर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो मैंने आपको लेवल बताए हैं उस लेवल के हिसाब से आप चलते हैं तो आपको निकट भविष्य में कोई दिक्कत आने के चांसेस नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है इसे स्टॉक से जुड़ा हुआ तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।